हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देखिए रात के 10 बज रहे हैं। दिन बताऊँ तो आज फ्राइडे है और हम सब मिलके जोर शोर से शुरू कर दी है पैकिंग करना स्टार्ट। और रात के बताऊँ तो जैसे मैंने बताया कि 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे रात में पैकिंग क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं हम सब जा रहे हैं गाज़ियाबाद। रात में नहीं निकलेंगे क्योंकि बहुत जिद कर रही है छोटी सिस्टर आने के लिए और उसने बोला कि रात में ही निकल जाओ, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। बट हम लोगों ने सोचा चलो आज रहने देते हैं, फ्राइडे को नहीं निकल के सैटरडे को सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने रात में ही पैकिंग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैथिली रानी भी हमारे साथ लगी हुई हैं बुआ की हेल्प करने में। अब मम्मी और भाभी नहीं जाएंगी, वो लोग कहीं और गए हुए हैं। कहाँ पे गए हैं वो मैं बता दूंगी किसी और वीडियो में। तो फिलहाल तो भैया और मैथिली हमारे साथ ही जाएंगी। और यहाँ पे देखिए सबका कपड़ा मैं रख रही हूँ क्योंकि 2 दिन के लिए ही जाना है, मंडे को हम वापस आ जाएंगे। और छुट्टी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है हस्बैंड की भी, बच्चों की भी। हालाँकि जो बड़ी गुड़िया है नंदनी, उसका सैटरडे स्कूल रहता है, बट लाइफ में एंजॉय करना, रेस्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है। और वो दिन हमें सैटरडे संडे को ही मिलता, तो हम लोगों ने सोचा चलो एक दिन छुट्टी करा देते हैं। और छोटी सिस्टर ने बहुत जिद कर रही थी आने के लिए क्योंकि उसके पास हम लोग नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि आप लोगों को मैंने और भी वीडियो में बताया कि उसके घर का काम चल रहा था। क्या काम चल रहा था वो भी उसके यहाँ पहुँचेंगे तो ज़रूर मैं दिखाऊँगी बताऊँगी भी। जिसलिए ना तो वो आ पा रही थी क्योंकि मेरे बर्थडे में भी वो नहीं आ पाई थी, तो इस कारण हम लोगों ने सोचा चलो बहुत जिद करिए तो हम लोग चल पड़ते हैं और थोड़ा इन्जॉय हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और वहाँ जाके ना एक चीज़ और मैं दिखाऊंगी। तो चलिए पहले सुबह का करते हैं वेट और निकलते हैं। मैं पूछ लूं। अच्छा अच्छा चलो चलो कंचन वरन विराज सुवेशा। हाँ कानन कुंदन कुंचित केशा। वेरी गुड। हाथ बजाल बजा विराजे। आज तो यहाँ पे सुबह सुबह हम निकल चुके थे। हम लोग रात में पैकिंग कर लिया था, खाना खाया और फिर सो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। और मौसम ना आज भगवान जी ने बहुत साथ दे रहे, बहुत अच्छा मौसम था। और मैथिली रानी वहाँ पे गाड़ी में बहुत इंजॉय कर रही थी, कभी राइम्स गा रही है, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रही है। और यहाँ पे हम एंट्री कर जाते हैं सोसाइटी में जहाँ पे छोटी सिस्टर का घर है। तो आप सभी को लेके चलते हैं उसका घर, कितने बार ले चुकी हूँ बट आज आपको सीधे लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ उसका घर। पे मैं दिखा रही हूँ आपको खुशी का घर, कि इसके घर में काम क्या था। तो जब इन लोगों ने घर लिया था ना यहाँ पे, जिस बिल्डर से घर लिया था उस समय जो घर को पेंट करवा के या जिस तरीके से दिया था तब से वो ऐसा ही था। तो इनका वॉल वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो फिर लोग इन लोगों ने डिसाइड किया, मतलब खुशी ने, कि घर को पेंट करवाते हैं, थोड़ा सा डेकोर करवाते हैं। तो वही सब इसके घर में काम चल रहा था। अभी और भी बहुत सारे काम हैं बट इसने बोला कि चलो 1-1.5 महीने बाद जो और एक्स्ट्रा काम है वो करवाएंगे। फिलहाल तो इन लोगों ने पूरे घर को पेंट करवाया है, बच्चों के लिए बच्चों का कमरा रेडी करवाया है, वार्डरोब बनवाया हर कमरे में। और जो भी घर में आप कलर देख रहे हो ना, खुशी ने खुद से डिसाइड किया है, सेलेक्ट किया है और पूरे घर में अलग अलग कमरे में अलग अलग कलर करवाया है, प्रिंट करवाया है। तो वह घर ना बहुत चेंज, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी तो पूरा घर ऐसा फैला हुआ है बट जब आप इसके घर कभी मैं लेके आऊँगी, फिर लेके आऊँगी, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले पेंटर वगैरह गए हैं तो घर का सामान भी इधर उधर हुआ है। और ये देखिए मंदिर इसने बनवाया है, बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर, बहुत ही अच्छा। फिर भी मंदिर अभी सेट नहीं किया इसने क्योंकि बोल रही थी मैं धीरे धीरे कराऊंगी। हर कमरे में हर कलर करवाया है और मुझे तो ऐसे ना ब्लू कलर बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है और मुझे ना ब्लू कलर वाला बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को इसमें से कौन सा कलर अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा।
दिखा रही हूँ इन दोनों बहन को, देखिए ये दोनों ही बहन मिलते ही स्टार्ट हो गई डांस करना। तो बस दोनों बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, नंदनी भी बैठ चुकी थी और प्रियांशी ऋषि के साथ लगी हुई है। अब मैं दिखाती हूँ छोटी सिस्टर क्या करने लगी है। तो यहाँ देखिए बालकनी में ये फिश बनाने लगी थी। मैंने इसको फ़ोन करके इसने पूछा था कि दीदी क्या खाओगे, जीजा जी क्या खाएँगे या भैया, तो हम सबने बोला था फिश बना के रखना क्योंकि ना बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनाती है। और मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी बालकनी, और आप लोग ने देखा होगा कि मेरे हर घर में ही हमारे सब भाई बहन के अलग घर में ना अलग अलग से चूल्हा है, मतलब नॉनवेज चूल्हा अलग है, तो इसलिए ये बालकनी में बना रही है। तो फटाफट से ये बना के खाना खाएंगे और शाम में आप लोगों को कहीं पे लेके जाने वाली हूँ मैं। कहाँ लेके जाऊँगी वो शाम में ही बताऊँगी। तो चलिए फिलहाल तो टेस्टी टेस्टी सा फिश इन्जॉय करते हैं। और आप लोगों को अगर जानना हो कि हमारे यहाँ बिहार में किस तरीके से बनाते हैं फिश, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा और मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गर्मा गर्म खाना खाते हैं पहले, क्योंकि भूख ना बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि डाइनिंग टेबल होते हुए भी हम नीचे में बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि हम सबको ना नीचे में बैठ के खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग डाइनिंग टेबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो कि हम हंस भी रहे थे कि डाइनिंग टेबल रखने का क्या फ़ायदा है फिर, इन चलो कोई बात नहीं, जिसकी जहाँ पर आदत होती है हम सबको नीचे में बैठ के खाने का बहुत अलग सा एक मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को ले कर चलूँगी आपको कहीं पर, कहाँ ले जाऊँगी वो बताऊँगी मैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेला घूमने। गाजियाबाद का मेला। गाजियाबाद का मेला। चलो तुम लोग को डिजाइन इतना देती हो ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मैथली। आज हम जा रहे हैं मेला, तो बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। बाबा 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 बाबा। अरे पापा थोड़ा सा इधर सब कर। पापा और मोदी के तो यहाँ पे आप लोगों को हमने बता ही दिया है हम दोनों बहन ने कि कहाँ लेके जा रहे हैं। तो देखिए मेला, मेला हम सब ने बचपन में बहुत घूमा है, बहुत इंजॉय किया है, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं और काम बढ़ते जाते हैं, उलझते जाते हैं, वो हर चीज़ हमसे छूटता जाता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ, आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेला वगैरह घूमना, कहीं शॉपिंग करना बहुत धीरे धीरे बंद हो जाता है। और वहीं मेरे साथ भी हुआ था। मैं बताऊँ, सच बताऊँ तो बहुत 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 सालों बाद मेला घूमने आई हूँ। जब खुशी ने मुझे कॉल किया ना कि दीदी आ जाओ मेला लगा हुआ है, तो मैं से रेडी हो गई, क्योंकि चलो दो दिन की छुट्टी है और जैसे मैंने बताया ना कि लाइफ में थोड़ा एंजॉय, थोड़ा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो वो सोचकर मेला का नाम सुन के ना बहुत खुशी हुई कि मेला ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें बचपन की याद दिलाती है, क्योंकि यही मेला, यही खाना घूमना हम सब कुछ अपने मम्मी पापा के साथ करते थे, अब हमारे बच्चे करते हैं। और मेला घूमे ना मुझे बहुत साल हो गए थे, बहुत साल, और गाज़ियाबाद में ना हर साल लगता है, लेकिन हर साल लगता है बट किसी न किसी कारण हम नहीं आ पा रहे थे हम लोग। बट इस बार टाइम भी था, समय भी बहुत अच्छा था और छुट्टियाँ भी थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो आज बचपन को याद करते। तो हम लोग स्पेशली मेला घूमने ही आए थे और उसका घर भी देखने आए थे कि किस तरीके से उसने रेडी किया। तो यहाँ पे शाम में मैं ही नहीं, आप सबको लेके आई हूँ मेला घुमाने। किन लोगों ने बहुत सालों बाद मेला घुमा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं पूछ रही हूँ उसमें लिखने के लिए, तो जो समझ में आए जिनको वो ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे देखें मेले में एंट्री करते ही हम लोग बस बहुत सारी चीज़ें देखने में खो गए थे। और जैसे मैंने बताया ना, मौसम तो ना बारिश हुई थी, छूट गया था, बट मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा ना, क्योंकि अगर आप जब कहीं घूमने जाओ ना, खास करके मेला, जैसे मैं बता रही हूँ मेला घूमने की, और अलग से एक अगर मार्केट जाओ तो ना शॉपिंग करने की, उसकी बात ही अलग होती है। और मौसम अगर अच्छा ना हो तो कितना भी थकान हो पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम दोनों बहन आ गए थे देखने के लिए, और इसमें से ना कितनी चीज़ें ऐसी थी कि खुशी पहले भी आ चुकी थी हफ्ते दिन पहले मेले में, और बहुत सारी चीज़ें उसने शॉपिंग की थी। और उसके घर जब मैं गई, उसने मुझे दिखाया तो मुझे इतना पसंद आया कि मैं मेन वही चीज़ लेने आई थी कि तुमने जो लिया है मुझे वो लेना ही है। और उसने क्या क्या लिया है और मैं क्या क्या लूँगी, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितने सस्ते में मैंने क्या लिया और खुशी ने क्या लिया। तो यहाँ पर देखिए वुडेन की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सस्ती। प्राइस बताऊं तो यहाँ पे जितना भी आप सामान देख रहे हो ना, 100 से 200 थे, बड़े साइज़ का 200 और छोटे साइज का 100, और बहुत सस्ते रिजनेबल प्राइस में था कि देख के ना मन करा था क्या लूँ क्या छोड़ो। सारी चीज़ें हम लोग दोनों बहन ने शॉपिंग की, क्या क्या की जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा। और जो आसपास रहते हैं ना गाज़ियाबाद के, तो प्लीज़ ये मेला घूमना मत मिस करिए, आइए और खूब सारा मेला इन्जॉय करिए। और यहाँ पर हम लोगों ने घूम घूम के बहुत सारी शॉपिंग की, और बच्चों को हम लोगों ने जेंट्स के साथ छोड़ दिया था, झूला
एंजॉय करने, क्योंकि बच्चों को तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। वो लोग तो जैसे एंट्री की और इतने सारे झूले थे, इतने सारे, बड़ों के लिए भी था बट मुझे डर लगता बहुत ज़्यादा, और खुशी को भी, तो हम लोग तो गए ही नहीं, जेंट्स वगैरह भी नहीं गए, लेकिन बच्चों ने ना कोई भी झूला नहीं छोड़ा। वो भी मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पर क्या क्या एंजॉय किया सब बच्चों ने। नंदनी को भी बहुत डर लगता तो वो भी नहीं चढ़ी। यहाँ पर देखिए ये दोनों ये छोटे झूले को एंजॉय कर रही हैं, प्रियांशी और ऋषि भी झूले को एंजॉय कर रही थी। फिलहाल तो मैं आपको प्रियांशी के पास लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। और झुक जाओ, टाइट से पकड़ लो। तो बस प्रियांशी वो एंजॉय कर रही थी कि उसके लिए भी थोड़ा सा नया था ये चीज़ देखना। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ आ गई थी प्रियांशी और ऋषि, और जो अबनी और मैथिली है वो अलग से छोटे बच्चों के लिए जो झूले होते हैं उस पर वो एंजॉय कर रहे थे। बाकी जेंट्स वगैरह को हम लोग यहाँ पे खड़ा किया हुआ था कि देखते रहिए कि बच्चों को कोई चोट वगैरह ना आ जाए, और बच्चों ने हर झूला हर चीज़ को एंजॉय किया बहुत अच्छे से। तो और हम लोग अलग से ही लगे हुए थे शॉपिंग करने में, बच्चे अलग चीज़ में लगे हुए, तो बहुत सारा एंजॉय किया बच्चों ने भी और हम लोगों ने भी। और बचपन जो बोलते हैं ना, एक बचपन की यादें ताज़ा होनी, वो बिल्कुल ही ताज़ा हो गई थी, क्योंकि यही बचपन में हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे मेला घूमने, खूब खाते पीते थे, झूला झूलते थे, खूब सारी शॉपिंग करते थे, और वही आज हमारे बच्चे करें तो बहुत अलग सी चीज़ें एक याद आ गई थी। तो बहुत सारा इन्जॉय किया बच्चों ने भी, हर तरह के झूले लिए, खूब सारी खाने पीने की चीज़ें लिया, टॉय वगैरह थे बट बच्चों ने टॉय वगैरह तरफ देखा भी नहीं कि उनका मन था कि बस हमें झूला झूलाते रहो। तो खूब सारे उन्होंने झूले वगैरह सब कुछ किए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग से ये लोग जब झूला झूलने के बाद यहाँ आ गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने खूब मेला वगैरह घूम लिया था और पेट फुल कर लिया था, क्योंकि मेले में ही हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, क्योंकि ना मेले का खाना भी ना एक अलग सा टेस्ट और स्वाद अलग होता है। खाते तो वही चीज़ हम बाहर भी हैं बट मेले में अगर वही डोसा या वही चाउमीन वही बर्गर खाओ तो अलग सा एक टेस्ट होता है और बाहर का अलग। तो बहुत सालों के बाद मेले का खाने का भी हम लोगों ने इन्जॉय किया। और जब निकलने लगे ना तो यहाँ पर ये दिख गया था हमें लास्ट में, जो कि बहुत सस्ते बहुत रिजनेबल प्राइस में थे, वाटरफॉल वगैरह ना, यही अगर आप बाहर लेने जाओ ना तो बहुत सस्ते महंगे मिलते हैं, बट यहाँ पे जब उन्होंने प्राइस बताया ना तो मतलब मन तो कर रहा था एक छोरो दो तीन ले लूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेकिन हम लोगों ने सोचा आज बहुत थक गए, क्योंकि ना हम 5:30 बजे आ गए थे मेला घूमने और घूमते घूमते हमें 10 बज चुका था और खाना पीना खा के फुल टाइट हो गए थे, थक भी गए थे, बट मौसम जैसे बताया ना कि भगवान जी ने बहुत साथ दिया, मौसम बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो नेक्स्ट डे आके ले लेंगे, बट खुशी का मन नहीं माना तो उसने लास्ट में दो बहुत अच्छी चीज़ें ली हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, बहुत अच्छा चीज़ था वो। तो बस वो लेके हम लोग चल पड़े हैं अब घर, घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह तो हम लोगों ने खा लिया है। तो चलिए, आप लोगों ने घर बैठे ही कितना मेला घूमा या आप लोगों ने अभी कहाँ पे घूमा है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछा है आप लोगों से, बहुत सारी चीज़ों का सवाल का जवाब दीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा क्या क्या चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो को आज करते हैं यहीं पर अंत, फिर कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी आप सभी के लिए, कोशिश करती हूँ और कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया ना प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर।